Assalamualaikum, SLS student. Welcome to the online classes. Today is our 47 lecture of count on grade 4. Open your book, page number 148, student. आज हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14 और 15 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये काम आपने कॉपीज पर करना है. ठीक है, तो अभी हम बुक वाला वर्क कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14 और 15 करेंगे. सही है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शेप्स इन स्क्वायर. स्टूडेंट, इसका आपने अंदाज़ा लगाना है क्योंकि ये क्लियर शेप्स नहीं हैं. एरिया तो हमें सब चीज़ों का बताना ही होता है ना, लेकिन कुछ शेप्स जो होती हैं वो रेगुलर वे होती हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उनका तो बिल्कुल डायरेक्ट बॉक्सेस होते हैं और हमें पता चल जाता है, जैसे हमने पीछे फाइंड किया है या जैसे ये मौजूद है. लेकिन कुछ इरेगुलर शेप्स होती हैं जिनका हमें तकरीबन बताना होता है, वो एग्जैक्ट नहीं आता, इसलिए उसको अप्रोक्सीमेट कहा जाता है, तकरीबन. ठीक है, कि तकरीबन इसका एरिया इतना होगा. तो स्टूडेंट, हम शेप ए देखते हैं. यहाँ पे आप देखें कि हमारी ये शेप आधी है और ये भी आधी है. इन दोनों को मिला के हम एक शेप कंसिडर करेंगे, एक सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे. इसी तरह ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, इन दोनों को मिला के भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे. यहाँ पे देखें, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, इसको यहाँ पे फिल करके 1 सेंटीमीटर बना लेंगे. और इसी तरह ये जो शेप हाफ है और ये भी हाफ है, इन दोनों को मिला के भी 1 कर देंगे. ठीक है, तो अब ये 2 1 बनाएंगी, ये भी 2 शेप 1 बनाएंगी, ये भी 2 शेप 1 बनाएंगी और ये भी 2 शेप 1 बनाएंगी. तो 1 2 3 4 हो जाएगा और जो अंदर वाली मुकम्मल है वो हम एज इट इज़ ले लेंगे. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ठीक है, और 14 सेंटीमीटर आ जाएगा और इनकी जो ये कमी पेशी है, ये जो साइड पे जो एरिया मौजूद है, ये इसको मुकम्मल कर देगा. तो अप्रोक्सीमेट इसका जो एरिया आएगा वो 14 सेंटीमीटर आएगा. इसी तरह स्टूडेंट, इस इन दोनों को मिला के 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 और ये जो हम एरिया है इसका, ये हाफ ये ले लेंगे, हाफ ये ले लेंगे, मिला के 1 सेंटीमीटर बनेगा और 8 ये है, 9 ये आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर. पेरेंट्स प्लीज़ गाइड करें बच्चों को, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने में, बच्चों की हेल्प करें. इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो ये सारी जो हाफ हाफ है मिला के 1 स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे. यहाँ पे ये जो हाफ है इनको मिला के 1 कर लेंगे, 2 हो जाएंगी, यहाँ पे इनको मिला के 3, यहाँ पे इन हाफ्स को मिला के 4 सेंटीमीटर तो बन जाएगा. अब इनके अंदर वाले जो हैं वो मुकम्मल हैं. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेंटीमीटर आ जाएगा. स्टूडेंट, जो आपके मुकम्मल हैं उनको मैंने डॉट से शो किया है और जिनको मैं 2 को मिला के कर रही हूँ वो लाइन से शो किए हैं, और जो स्टार वाले हैं उनको मिला के 1 सेंटीमीटर या 1 स्क्वायर कंप्लीट किया है. ठीक है, यहाँ पे देखें, ये हाफ है और ये भी हाफ है, दोनों को मिला के 1 स्क्वायर, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 हो गए, इन हाफ को मिला के 12, इन हाफ को मिला के 13, इन हाफ को मिला के 14 और ये स्टार वाला आधा और ये स्टार वाला आधा मिला के 15 सेंटीमीटर आ जाएगा. अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट डाउन द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ईच शेप. ये तो बहुत ईजी है, आप पहले भी कर सकते हैं, काउंट करना है 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. इनका ईजी इसीलिए स्टूडेंट, इस शेप का एरिया निकालना, क्योंकि ये रेगुलर हैं और क्लियर हैं. यहाँ पे क्योंकि ये हाफ्स को मिला के करना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था, ध्यान से कीजिएगा. 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, आपने बुक पर ही करना है और 15 भी बुक पर ही करना है. तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. क्या फार्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. अब एरिया हमारे पास 100 बनाना है, तो लेंथ के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास 100 आ जाए. 21 20 2 40 3 60 4 80 5 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. इसी तरह 24 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है लेंथ और ब्रेथ दी हुई है. हमें क्या निकालना है? एरिया. और एरिया का फार्मूला हमें पता है कि 24 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें रफ वर्किंग में, 3 4s are 12, 1 carry, 3 2s are 6 or 1, 72,
और सेंटीमीटर का स्क्वायर मस्ट डालना है आपने, क्योंकि अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो हम स्क्वायर ज़रूर डालेंगे, ऊपर टू ज़रूर लिखेंगे। याद रखने के लिए बेटा आप क्या कर सकते हैं, एरिया में दो ए आ रहे हैं ना, टू आ रहा है, ए टू टाइम आ रहा है, तो आपने मस्ट टू डालना है, ठीक है। इसी तरह नाइन को किससे मल्टीप्लाई कराएं, 36 से आ जाए, नाइन को फोर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 आ जाएगा, सिक्स को किससे कराएं के 54 आ जाए, सिक्स नाइन आर 54, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई करने से एरिया बन रहा है तो हमें मल्टीप्लाई कराना होगा। 12 को किससे मल्टीप्लाई कराएं के हमारे पास 120 आ जाए, 12 को 10 को 12 से कराएंगे तो हमारे पास 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कारपेट, एरिया हमने फाइंड करना है तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ क्या है 6, ब्रेथ क्या है 4, तो 6 मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगा 624, क्योंकि ये मीटर में बेटा दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम मीटर ही डालेंगे, और एरिया का मैंने आपको बताया है कि यूनिट के ऊपर स्क्वायर भी डालते हैं तो हम यूनिट लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। इसी तरह लेंथ 7 है, ब्रेथ 3 है, तो 7 3 21 और साथ मीटर है यूनिट, तो मीटर डाल दिया और यूनिट के ऊपर स्क्वायर डालना है, क्यों, क्योंकि ये एरिया है। इसी तरह पार्ट सी है, हमारे पास लेंथ है 4, ब्रेथ है 3, 4 3 12, साथ में यूनिट है मीटर, तो मीटर आएगा और उसके ऊपर 2 डालना है, क्यों डालना है, क्योंकि एरिया का जब हम यूनिट लिखते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर डालते हैं। स्टूडेंट 11, 12, 14 और 15 क्वेश्चन किए हैं इस लेक्चर में और ये काम आपने बुक के ऊपर करना है, समझ कर कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।